सबसे उचित विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रहे, असत्य पूछा है, सत्य नहीं। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसमें गलत हो जाएगा। उम्र भर नहीं चलती है। जो अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक भी होती है, मात्रात्मक भी होती है और मापनीय भी होती है, लेकिन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं इसको पूरा करने से पहले। दोस्तों, जिन साथियों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटिंग में नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ वगैरह चाहिए, ई बुक चाहिए, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वो ई बुक भी ले सकते हैं। जिन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं, ये 850 के आसपास क्वेश्चन है। अगर ये हिंदी मीडियम के चाहिए ये ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले चाहिए तो इंग्लिश मीडियम वाले पीडीएफ ले सकते हैं, और अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बुकलेट चाहिए तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेनेशन की बुकलेट भी है, वो भी ले सकते हैं, और इंग्लिश में भी आपको ऐसी मिलेंगी, वहां भी जा सकते हैं। यानी सभी प्रकार की सुविधा आपको यहाँ पर दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक व भाषा आदि का विकास होता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बालक का गामक व भाषा का विकास करता है? नंबर 1 विकास क्रम का सिद्धांत, नंबर 2 विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ विकास क्रम का जो सिद्धांत है वो बालक का गामक व भाषा आदि का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? विकास दिशा के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, एकीकरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, परस्पर सिद्धांत का संबंध के सिद्धांत के अनुसार, या विकास कर्म के सिद्धांत के अनुसार? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का स्टडी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? दोस्तों, एक है पैर से सिर और एक है सिर से पैर की दिशा में। कौन सा सिद्धांत ऐसा है? तो विकास क्रम या विकास दिशा। विकास दिशा का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बालक का डेवलपमेंट सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चे या बच्ची के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? परस्पर संबंध के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, विकास दिशा के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, विकास कर्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत? दोस्तों, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, हर इंसान की एक दूसरे से विभिन्नताएं हैं, सभी के सभी लोगों की अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं, ये कहता है कि बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, सब एक दूसरे से अलग हैं कुछ मायनों में। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। भाषा विकास बालक के किस तरह के विकास में सहायक है? जो भाषा का विकास है वो बच्चे के कौन से डेवलपमेंट में सहायक होता है? मानसिक में, सामाजिक में, आर्थिक में, या फिर ए और बी में? तो दोस्तों, जो भाषा का जो विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक है। और मानसिक और सामाजिक अगर दोनों हैं तो फिर आपका जो आंसर होना चाहिए यहाँ वो आपका डी होना चाहिए। आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके अकॉर्डिंग डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बालक की भाषा सभ्य तथा सुसंस्कृत होने के पीछे किसका योगदान है? यानी बच्चे की जो लैंग्वेज है वो सभ्य भी हो और सुसंस्कृत भी हो, इसके पीछे किसका योगदान है? परिवार का, समाज का, अनुकरण का, या फिर इन सभी का? दोस्तों, बच्चे की भाषा कितनी सौम्य है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, बोलने की कितना अच्छा लहजा है, कैसी तमीज उसको है, इन चीजों के पीछे परिवार का भी रोल है, समाज का भी रोल है, अनुकरण का भी है, इन सभी का आंसर यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि परिवार जैसी बातें करते हुए देखेगा बच्चा वैसे ही बोलेगा, जैसी संगति में, समाज में बच्चा रहेगा वैसा ही बोलेगा, और जैसा लोगों को बोलते हुए सीखेगा, अनुकरण करेगा, वैसा ही बोलेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आपका आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग डेवलपमेंट की स्पीड या गति होती है?
नंबर एक अनवरत विकास का सिद्धांत, नंबर दो विकास की गति का सिद्धांत, नंबर तीन क्रमिक विकास का सिद्धांत, और नंबर चार एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा विकास की गति का सिद्धांत। जो विकास की गति की जो थ्योरी या जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, ये सत्य भी है, प्रैक्टिकल भी हम सोच सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण करवाना ज्यादा अच्छा है, यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो टीचिंग करवाई जाती है, जो शिक्षण करवाया जाता है, वो उनकी मातृभाषा में करवाया जाना जरूरी है। इसके फायदे क्या बताए इसने? ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है, इससे बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होता है, इससे सीखना सरल हो जाता है, यह बौद्धिक विकास के लिए सहायक है। तो यहाँ क्या रहेगा, आत्मविश्वास तो बाद की चीज है, सीखना सरल होगा ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो मातृभाषा होती है, जिसको वो सारा दिन बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं लोगों को बोलते हुए, अगर उसमें बात होगी, उसमें शिक्षण करवाया जाएगा, तो प्राकृतिक वातावरण में सीखने में उनको मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बचपन में शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, बच्चे की अभिरुचि के अकॉर्डिंग, शिक्षण की शिक्षक की अभिरुचि के अनुसार? बिल्कुल नहीं, बच्चे की योग्यता के अनुसार हो, बच्चे की अभिरुचि के अनुसार हो। तो इसका मतलब यहाँ आंसर रहेगा डी, ए और बी, यानी बचपन में जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, और उसकी अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी योग्यता कैसी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये दोनों चीजें यहाँ मायने रखती हैं, तो डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व किस अवस्था का लक्षण है? रुचियों में जब बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज में, जो रुचियां उसकी हैं, उनमें परिवर्तन और स्थायित्व है, ये किस अवस्था का लक्षण है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? दोस्तों बाल्यावस्था में नहीं होगा, शैशवावस्था में तो होगा नहीं, प्रौढ़ावस्था में कोई चांस ही नहीं रहेंगे, तो शैशव किशोरावस्था। बच्चे में, बच्चे के अंदर रुचियों में परिवर्तन होना और स्थायित्व होना, ये किशोरावस्था के मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, यानी 6-7 की एज का बच्चा जो है वो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान ही नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। यहाँ दोस्तों क्या रहेगा, क्योंकि जब 6 से 7 साल की एज में बच्चा होता है, वो अहम केंद्रित होता है, वो दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है, वो खुद के ऊपर सेंटर्ड होता है, अहम केंद्रित होता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 13, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ध्यान रखना 6 से 11 वर्ष की एज के बच्चों की बात हो रही है, उनको सीखने के लिए क्या आवश्यक है? नंबर एक मूर्त क्रियाओं, अनुभव की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था हो, या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा हो। तो इसमें क्या होगा, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, रटने के अवसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण ये भी नहीं हो सकता यहाँ। तो यहाँ क्या रहेगा आपके लिए, मूर्त क्रियाओं, अनुभव की उपलब्धता, जितना जैसा अनुभव होगा वैसे ही वो सीखता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो बालक का संवेगात्मक जो विकास है उसके में सबसे बड़ा रोल किसका है, अध्यापकों का, सगी साथियों का, पड़ोसियों का, या फिर माता पिता का? दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था ये एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे के संपर्क में माता पिता का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, उन्हीं के संपर्क में रहता है, उन्हीं को बोलते हुए, बात करते हुए, व्यवहार करते हुए, निहारते हुए, खिलाते हुए, उन्हीं को देखता है, और ऐसी स्थिति में माता पिता का सबसे बड़ा रोल पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु होता है। तो यहाँ आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं जो कंसेप्ट्स होते हैं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का? बच्चे की जब अवधारणाएं बनती हैं वो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक या बौद्धिक, किस विकास के ऊपर
निर्भर है या किस विकास का मुख्य हिस्सा होती हैं? तो दोस्तों अवधारणाओं का विकास जो है बच्चे के बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान रखना सत्य नहीं है पूछा है, सत्य है नहीं, ये है और नए के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है चलो देखते हैं एक बार। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी भी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है, विकास विशिष्ट से सामान्य, ये गलत है, विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी आसान से मुश्किल की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, शुरू से लास्ट की तरफ, इस तरीके से बढ़ेगा विकास, कभी भी मुश्किल से आसान नहीं होगा, पहले आसान स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में गलत हो गया, विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कोई एक है जो विकास का सिद्धांत है, आपने उसको यहाँ पहचानना है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें क्या कहा, कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास का सिद्धांत है, क्योंकि सभी की विकास दर अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस चीज में सहायता करता है भाई? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह उचित स्थापित करने में नहीं, वो तो टीचर को अपने आप पता होता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये आंसर इसमें सीख रहेगा, क्योंकि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझ लेने के बाद टीचर इस चीज में कंफर्टेबल महसूस करता है कि बच्चों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित कर पाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से असत्य, ध्यान नहीं गलत बताना है, इनमें से गलत क्या है, झूठ क्या है, असत्य क्या है, फॉल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 में है, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की गति में निरंतरता रहती, ठीक है, बालक का विकास विशिष्ट, ये गलत आ गया ना, यही क्वेश्चन बार बार ये गलत दे रहे हैं। तो बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं जाएगा, बालक हो या बड़ा हो, डेवलपमेंट जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा, नॉर्मल से लेकर के स्पेशल की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना एक बार, मानक विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कुछ स्पेशल थ्योरीज पर बेस्ड है, लेकिन कौन सा ऐसा, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट का थ्योरी है ही नहीं? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवृत्ति या निरंतरता? तो यहां अगर आप देखोगे तो अनुक्रमिता तो है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ भी होता है, निरंतर भी होता है विकास, तो क्या रहेगा, प्रतिवर्ती नहीं रहेगा, प्रतिवर्ती ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड कोई थ्योरी है ही नहीं, ये तीनों रहेंगी, अनुक्रमिता भी होगा, सामान्य से विशिष्ट भी होगा और निरंतरता भी होगा, सामान्य जो हो निरंतर भी डेवलपमेंट जो चलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखना एक बार, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि बतानी है आपको, कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है, बेस्ट टीचिंग मेथड बतानी है, किसके लिए, शैशवावस्था के लिए। तो आइए देखते हैं, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या सभी? तो मुझे तो लगता है कि सभी, क्योंकि शैशवावस्था में जो बेस्ट विधि है आप एक को बेस्ट नहीं बता सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं लेकिन एक को रख करके बाकियों को निकाल नहीं सकते हैं, सभी विधियों को समय समय पर यूज किया जाता है, मोंटेसरी भी, खेल विधि भी, किंडरगार्टन विधि भी, यानी डी सभी इसमें आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखना एक बार, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है, यानी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी जो स्पीड है वो किस अवस्था में कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, भ्रूणावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, बाल्यावस्था में कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस चीज से संबंधित है, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखिए, पूछा क्या इसने, इसने कहा है कि बच्चा अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर
अपने साथी दोस्तों की संगत को पसंद करना शुरू कर देता है। कैसी स्थिति में? किशोरावस्था में तो कंप्लीटली होता ही कंफर्टेबल है, तो इसने क्या कहा है, शुरू करता है संगत को पसंद करना संबंध शुरू कर देता है। पूर्व किशोरावस्था, जो पूर्व किशोरावस्था है इसमें बच्चा जो है अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर हटकर अपने साथियों के साथ खेलना कूदना मिलना जुलना काम करना पसंद करता है, क्योंकि शैशवावस्था में तो हो नहीं सकता, उत्तर वाला अवस्था भी नहीं हो सकता, तो पूर्व किशोरावस्था में शुरू करता है और किशोरावस्था में तो ऑटोमेटिकली वो अलग ही रहना उसका लगभग कुछ चीजों में हो शुरू हो जाता है, कुछ चीजें वो अपनी सेक्रेसी में बनाने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाल्य विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र बताना है। बाल्य विकास की परिभाषा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसका अध्ययन क्षेत्र बताना है आपको यहाँ। नंबर एक, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। नंबर दो, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। नंबर तीन, बच्चे व्यस्त तथा वरिष्ठ नागरिकों से तुलना करेगा। और नंबर चार, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक तथा तो दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यहां आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं एक बार। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी विकास के संदर्भ में डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है, ये कहने का मतलब है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे चुनौतियां भी आती हैं, डेंजर भी आते हैं। उसके बाद, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास तो बढ़ावा देने से ही होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता, ये भी सही है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो इसमें ये गलत था, तो यहाँ आपका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभदारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ आपका आंसर डी रहेगा। ये कहते हैं कि सामान्य जो परिपक्वता है, जनरली की बात कर रहा है ये, जो आपके अंदर जो मेच्योरिटी होती है, से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है, लाभकारी हो या फिर हानिकारक हो, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान क्या है, समान है, असमान है, विशिष्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संसार का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, कोई देश, कोई राज्य, कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान समान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किसके साथ है, परिवर्तन के साथ, प्रतिक्रिया के साथ, प्रयास के साथ, या फिर परिणाम के साथ। यह आपका आंसर आएगा प्रतिक्रिया, यानी यह कहते हैं कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, या ये कह सकते हैं उद्दीपन का जो संबंध प्रतिक्रिया से है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। इस क्वेश्चन को पलट भी देते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानव वृद्धि एवं विकास की संबंध शिक्षक खालिस्तान को योग्य बनाती है। मानव वृद्धि एवं विकास की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के, शिक्षण के समय से शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ये इसमें आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिशु लगभग कितने महीने में चलने लगता है, शिशु लगभग कितने महीने में चलता है, 10 12 महीने में, 12 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, 16 महीने में, या फिर 18 महीने में। दोस्तों, ये अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि
आजकल जो बच्चों की जो आंसर होना चाहिए आमतौर पर, ये 10 से 12 महीने में बच्चा आजकल चलना शुरू कर देता है, लेकिन पहले के हिसाब से ये आंसर 18 हुआ करता था, कभी 1.5 साल का, कभी 2 साल का, ऐसे बच्चा चलना शुरू करता था। लेकिन आजकल इसको आप आंसर को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कम ही होता है, लेकिन यहाँ वैसे तो साइंटिफिक आधार पर तो देखोगे तो आपका आंसर ये रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसमें आपका 10 या 12 में से भी कोई हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आंसर है आपका, जो बोर्ड के आधार पर जो आंसर दिया जाता है, वो इसमें 18 होता है। तो ये थे दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन आपके हैं, पिछले 5 लेक्चर आप जरूर देखें। और किसी साथी को अगर ये पीडीएफ ही चाहिए, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके लिए इस पीडीएफ के अंदर 850 क्वेश्चन हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसी तरीके से हैं, एक एक चैप्टर वाइज हैं, फिर उसके आंसर हैं, फिर आगे भी आप देख सकते हैं, इसी तरीके से सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन है पहले चैप्टर की, फिर आगे उसके क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर क्वेश्चन है, फिर आंसर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अगर कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट ले सकते हैं, और आपको क्वेश्चन आंसर में चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर वहां नहीं मिलता है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो नंबर मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग उसका लिंक मंगवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को उसमें ज्यादा समस्या ना हो। तो ये था आज का आप लोगों के लिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत अगर करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद, शुभकामना।